जय श्री साईनाथ। तो गाइस आज हम आए साईं बाबा मंदिर औरैया, तो आपका स्वागत करना चाहते हैं मेरे ब्लॉग में बैंग वजह से। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि औरैया में मैं खड़ा हूँ जो कि साईं बाबा मंदिर है। साईं बाबा मंदिर है ये, और ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर। आप लोग जब भी हाईवे के किनारे से गुजरेंगे तो यहाँ से आप पहाड़ों को देख कर भी इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा आपको लगने वाला है। आपको हाईवे से ही दिखेगा, इसके रंग बिरंगे कलर आपको ना एक बार मन को आपके मन के इच्छाओं को जागरण कर देंगे कि आपको यहाँ पे आने का मन ही हो जाएगा। तो बहुत लोग समय सोच रहे आने की, आज हम लोग यहाँ पे आ पाए हैं, तो वो भी साईं बाबा की रहमो करम है, उन्होंने हम लोग बुला लिया। ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे साथ। तो भाई कैमरा भाई केस नहीं आ पा रहा है कैमरे के पीछे। और आप लोग जानते हैं कि आज का दिन गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन यहाँ पे काफ़ी कम लोग आए हुए हैं और मंदिर की काफ़ी व्यवस्था है जो मैंने देखी काफ़ी अच्छी है। और लेकिन गाइस एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, आप लोग यहाँ पे आते हो और इस तरह की कुछ हरकत है, ये कहना जा रहा है ये पैसा चढ़ा मंदिर के अंदर है ना, और इस तरह से पैसा चढ़ा के क्या दिखाना चाहते हैं, ये सब किस लिए बांधेंगे? इनका कोई भी मैथ हो, कोई मतलब आप कमेंट करके हमें बताइए कि हम कहना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, इन सबको बांधते क्या आप हासिल करना चाहते हैं। ये बांधे हैं किस किस ने बांधे वो भी कमेंट करें, और जिस जिसने बांधे नहीं वो बताएं कि ये क्यों बांधे जाते हैं। इस सब इन सबको देखने के बाद मेरा जो दोस्त साथ में जो कैमरे के पीछे उसका जो गुस्सा है वो इतना निकलने वाला है, देखिए कोई इसमें रुमाली बांधने चला गया। इस चीज़ को क्या कहेंगे क्या यार, एक बार मुझे कमेंट करके जरूरत है, इस चीज़ को कहे क्या हम लोग, समझ में नहीं आ रहा यार, थोड़ा दिमाग प्रॉब्लम हो रहा है। गाइस इस मंदिर में एक और बहुत अच्छी खासियत है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग सामने देख रहे हैं लिखा हुआ है 200 रुपये प्रति बेड के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे चार्ज लगेगा, आप लोग यहाँ पे रुक सकते हैं। सपोज दैट आप लोग कहीं जा रहे हैं यात्रा कर रहे हैं, आपको रात हो गई नाइट हो गई, आप मंदिर घूमने आप रुकना चाहते हैं, कुछ देर आराम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर 200 रुपये प्रति बेड के हिसाब से यहाँ पर लेकर आप आराम से यहाँ पर ठहर सकते हैं, कुछ देर रेस्ट कर सकते हैं, और आराम करने के बाद आप अपने स्थान पर दोबारा भी यहाँ पर मंदिर जैसे ये यहाँ पर ऐसे आप लोग कई चीज़ें इस मंदिर में जो बहुत यूनिक है बाकी मंदिर के अलावा, खाना तो काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि और सब चीज़ें खाना, खाना, खाना एक चीज़ जो मैं आपको बताना देना चाहता हूँ, यहाँ पर लंगर की व्यवस्था उपलब्ध है। लंगर आप लोग जानते हो दैट लंगर इज दैट, लंगर जो चीज़ होती है वो ये है कि आप लोग अगर भूखे हैं तो अपना खाना खा सकते हैं, अपने पेट को दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं लंगर के बारे में, इस मंदिर में क्या है खासियत कि आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर लंगर में आपको केवल और केवल 40 रुपये का एक लेना है टोकन। टोकन किस किस ने लिया आज तक कमेंट करके अभी बताइएगा मुझे, टोकन क्या होता है जानते हैं, छोटा सा कार्ड मिलता है उसे कहते हैं टोकन, है ना। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ सोमवार मंगल बुध रात शुक्र शनि रवि सातों दिन आपको 7 अलग अलग प्रकार के डिशेस और वेन्यू मिलेंगी, मेन्यू मिलेंगी, व्यंजन मिलेंगे जिसमें आप खाने के बाद अपने पेट को आनंद दे सकते हैं, खुद को आनंद दे सकते हैं, मन को अच्छा कर सकते हैं। तो क्या है वो मेन्यू आपको मैं दिखाया जाता हूँ।